कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राकृतिक व जैविक खेती पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में देश भर से 250 कृषि विशेषज्ञों व शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। चंद्र कुमार ने कहा कि फसलों को बेमौसमी वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। पिछली हमारी जो क्रॉप्स हुई है उसमें जो हमारी अनसीजनल रेन्स हुई हैं उसमें कुछ डैमेजेस तो क्रॉप्स की हुई हैं, लेकिन जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लॉस को असेस करता है। और राजस्व विभाग जब भी वो लॉसेस को असेस करेगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसी के आधार के ऊपर जो है वो आगे जो है वो किसानों के साथ जो है वो चाहे कंपनसेशन की बात हो चाहे कोई रिलीफ्स की बात हो उसको हम देखेंगे। ये वेदर की जो कंडीशंस हैं ये अनप्रडिक्टेबल हैं। वेदर एक ऐसा कंसेप्ट है कि रोज़ बदलता रहता है। क्लाइमेटल चेंजेस जो हैं वो ग्रेजुअल्स होती हैं, थोड़ा कोई रेनफॉल बढ़ जाएगी या टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वेदर दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल।